टाइप ऑफ फोर्सेस की अगर बात करें तो फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स एक फोर्स है, और ऐसी एक और फोर्स है जो स्टडी करते नहीं है, जिसको वीक फोर्स बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस 10^-14 मीटर से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा है, तो न्यूक्लियर फोर्स कमज़ोर है, कूलम फोर्स स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपका डिस्टेंस 10^-15 मीटर से कम हो गया नजदीक आके पार्टिकल, तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग है, कूलम फोर्स वीक है। तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज डीपी बाई डी टी, और एक बड़ी फोर्स एक छोटी फोर्स, तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करेंगे इज मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। एनर्शियल नॉन एनर्शियल दो फ्रेम्स हैं। एनर्शियल फ्रेम किसे बोलते हैं, जो कि अगर कोई भी सिस्टम रेस्ट पे है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी कि एक्सीलरेशन जीरो है, तो इनर्शियल फ्रेम है। जैसे कार खड़ी है, इनर्शियल फ्रेम है, ट्रेन खड़ी है, लिफ्ट खड़ी है, इनर्शियल फ्रेम है। लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है, एरोप्लेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन जीरो, इनर्शियल फ्रेम है। पर अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, कार एक्सेलरेट कर रही है, तो वो नॉन इनर्शियल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ सपोज करो एक ट्रेन रेस्ट पे है और आपसे कहा गया कि 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो जाओ इसके ऊपर एक्सेलेरेशन बताओ क्या होगी। तो रेस्ट पे पड़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूटन का लॉ लगाओ, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी, पॉइंट नंबर वन। लेकिन अगर ट्रेन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कोई एक्सेलेरेशन नहीं है इसके पास, फिर से एक्सेलेरेशन निकालनी है इस ब्लॉक की, फिर लगाओ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, ए डैश की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है और आप लगाएंगे फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि जब सिस्टम एक्सेलरेट करता है तो उसको पीछे की तरफ ऑटोमेटिक फोर्स लग रही है, जिस फोर्स का नाम है सूडो फोर्स। तो अगर कार आगे एक्सेलरेट कर रही है, हमारे ऊपर पीछे सूडो फोर्स लगती है, वो फोर्स की वैल्यू अगर ना ली जाए आंसर गलत आ जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें सूडो फोर्स लें पहले, फिर आंसर सही आएगा। सूडो फोर्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये मास है, सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन है, अगर ट्रेन की एक्सेलेरेशन आगे है तो सूडो फोर्स की फोर्स पीछे लगेगी, एक्सेलेरेशन के ऑपोजिट लगती है। कितनी लगती है, बॉडी का मास इंटू ट्रेन की एक्सेलेरेशन, यानी कि 1:1:2। तो आपका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये देखो, तो 1 kg के ऊपर आपकी फोर्स है 20 और सूडो फोर्स कितनी है 1:1:2, सॉरी 1:1, सॉरी 2 बोल रहा हूँ, 1:1:1। तो नेट फोर्स क्या होगी, 20 में से 1 गया, नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सेलेरेशन आंसर आएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। तो ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है कनेक्टेड मोशंस हैं। कनेक्टेड मोशंस में ये ब्लॉक्स है, ये टेंशन है, फोर्स है, तो इसमें क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम है, ये ब्लॉक इसे खींच रहा है, ये ब्लॉक इसे खींच रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है। इसके इमीडिएटली राइट फोर्स 10 है, लेफ्ट टी है, तो नेट फोर्स क्या होगी, 10 - t 2 * a। इसकी नेट फोर्स क्या होगी, t = 5 * a। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर आएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर अगर दो रस्सी हैं, तो अगर 100 न्यूटन की फोर्स है, यहाँ t1 t1, यहाँ t2 t2, तो यहाँ पर 100 - t1 = 2 * a, t1 - t2 = 5 * a और t2 = 1 * a। तो ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आएगा। अगर ये कनेक्टेड मोशन है, ये एक रस्सी है, टेंशन TNT है, इसका वेट 5g है, इसका वेट 7g है, ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो 7g बड़ा है, टी छोटा है, 7g - t = 7 * a। ये ऊपर आ रहा है तो t - 5g = 5 * a। इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आएगा। सिमिलरली अगर m1 m2 में है तो भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी, m2g - t = m2 a। ये ऊपर आ रहा है तो t - m1g = m1 है। इन्हें अगर सॉल्व करें तो आपके पास एक्सेलेरेशन का ये फॉर्मूला और टेंशन का ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो। तो एक्सेलेरेशन निकालने का एक शॉर्टकट भी है वैसे, बड़े वेट में से छोटा वेट माइनस कर दो, m2g - m1g, और टोटल मास से डिवाइड कर दो, तो बड़ा वेट माइनस छोटा वेट अपॉन टोटल मास m1 + m2। टेंशन की वैल्यू 2m1 m2g / m1 m2 याद करनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है, याद करना बेटर है वैसे, ठीक है। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आ गया कनेक्टेड मोशन में, पुली वाले केस में, और टेंशन की वैल्यू भी आ गई।
कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसा आता है, यहाँ पे टेंशन निकालो इस पोर्शन में, यहाँ पे टेंशन इस टेंशन से डबल होती है, इसको बोलते हैं थ्रस्ट ऑन पुली। तो टेंशन को डबल कर देंगे तो ये ऊपर की टेंशन डबल आएगी, थ्रस्ट ऑन पुली टूटी, तो टी तो आएगा टूटी भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं और यहाँ पर एक ब्लॉक है और एक इक्विवेलेंट फोर्स लगी हुई है, जैसे यहाँ पर वेट M1g है, यहाँ ब्लॉक नहीं है, यहाँ फोर्स लग रही है M1g, तो एक्सेलरेशन निकालनी है। शॉर्टकट लगाओ, बड़े वेट में से छोटा वेट को माइनस करो अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 आंसर। इसमें शॉर्टकट लगाओ, बड़े वेट में से छोटा वेट माइनस किया या फोर्स माइनस की अपॉन टोटल मास, टोटल मास में सिर्फ M2 मास है, M1 है ही नहीं आंसर। ये डिफरेंस है दोनों में, तो एक में दोनों मास है, एक में एक मास है। नेक्स्ट है कनेक्टेड मोशन में, अगेन फिर से कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी होती है। अगर 10 न्यूटन की फोर्स है, दो ब्लॉक्स हैं, तो आपस में कितनी अंदर फोर्स लगा रहे हैं वो निकालनी है। तो 10 ने 5 पे फोर्स लगाई है, 5 ने 10 पे लगाई है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम 100 इधर है, एफ इधर है, इसका डायग्राम एफ इधर है, तो इसके डायग्राम में 100 माइनस एफ इज 10 इंटू ए, इसके डायग्राम में एफ इज इक्वल टू 5 इंटू ए, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट है, अगर आपके पास एक मासलेस स्ट्रिंग है, रस्सी का मास नहीं है, 5 kg का मास है, तो टेंशन निकाल लो, इसमें क्या होगी, रेस्ट पे पड़ी हुई है रस्सी, तो यहाँ पर टेंशन होगी क्या, मान लो यहाँ टेंशन पूछता हूँ, इस रस्सी का वेट प्लस इसका वेट, रस्सी का तो वेट ही नहीं है, तो आंसर 5g। अगर यहाँ टेंशन निकाली जाए तो इस रस्सी का वेट प्लस 5g, रस्सी का वेट ही नहीं, तो हर बार टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, सेम 5g, टेंशन यूनिफॉर्म रहेगी जब रस्सी का वेट नहीं है। पर अगर रस्सी का वेट है, 10 किलो की रस्सी है, 10 मीटर लेंथ है और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपको टेंशन यहां निकालनी है 8 मीटर पे, तो इसका वेट प्लस इसका वेट ऐड करेंगे, तो 8 मीटर के का मास क्या आएगा, 10 मीटर रस्सी का वेट, मास इतना है, 1 का इतना 8 का 8 kg, तो इसका वेट क्या आएगा 8g, इसका वेट क्या आएगा 5g, कुल मिला के कितना आएगा 13g आंसर। तो जहां पे आपको टेंशन निकालनी है और रस्सी का वेट है, तो रस्सी का वेट प्लस ब्लॉक का वेट ऐड कर देना। जैसे नेक्स्ट है, जैसे इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री, mg cos mg sin, टेंशन TNT, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो 7g माइनस टी 7a, और ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस 5g sin 30 इज 5a। ठीक, लिफ्ट वाली प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, लिफ्ट वाली प्रॉब्लम में सिंपल एक काम करना है, अगर लिफ्ट रेस्ट पे है, लिफ्ट के नीचे वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है, n मेजर करती है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है इसमें, mg, n इज इक्वल टू mg। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या है, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो n इज इक्वल टू m इनटू g प्लस से, n इज इक्वल टू m इनटू g प्लस से, याद रखना है फॉर्मूला। और अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो n इज इक्वल टू m इनटू g माइनस से, ये तीनों फॉर्मूलाज को नोट कर लें, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, नीचे एक्सेलरेट कर रही है, या रेस्ट पे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है।
ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लिया। नेक्स्ट है, जैसे मान लो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक को मैंने रिलीज किया और एस डिस्टेंस है, तो टाइम बताना है कितनी देर में नीचे आएगा, इसको कौन सी फोर्स नीचे लेके आएगी, एम जी साइन थीटा, और कौन सी एक्सलेशन नीचे लेके आएगी, फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो जी साइन थीटा। तो एस इज इक्वल टू 0 + ½ जी ए टी स्क्वायर में एक्सलेशन को पुट करके टाइम आएगा, तो इतने टाइम में ये ब्लॉक नीचे आएगा। पर आपको क्वेश्चन में आएगा कि आपने एक्सेलरेटेड लिफ्ट में ये सेम अरेंजमेंट रखा, तो अब बताओ ब्लॉक कितनी देर में नीचे आएगा। आपने लिफ्ट के केस को बाद में सॉल्व करना है, बिना लिफ्ट के ये टाइम आया था। अब अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो जहां आपको जी दिख रहा है वहां जी माइनस ए कर दो, बस एंड में यही काम करना और कुछ नहीं करना। लिफ्ट को तो भूल ही जाओ, पहले बिना लिफ्ट के कर दो और फिर जी की जगह जी माइनस ए कर दो। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही होती तो जी प्लस ए कर दो, सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास एक, मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक का मास m है, और ये नीचे आएगा क्योंकि एम जी साइन थीटा फोर्स इसको नीचे लेके आएगी। मैं चाहता हूँ, फ्रिक्शन तो है नहीं, रुक तो सकता नहीं, मैं चाहता हूँ ये नीचे ना आए, जिसके लिए मैंने इसको एक्सेलेरेशन अप्लाई की, इस वेज को बहुत तेज अप्लाई की और ये रेस्ट पे आ गया, तो बताओ वो एक्सेलेरेशन क्या है। एक्सेलेरेशन अप्लाई करने से एक फायदा हुआ, इसको क्या मिली, सूडो फोर्स। देखो ना, कार को अगर एक्सेलेरेट करोगे तो अंदर सामान के ऊपर बैकवर्ड सूडो फोर्स लगेगी एम ए, तो एम ए फोर्स सूडो पीछे लगनी स्टार्ट हो गई। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो एम ए का एक कॉम्पोनेंट होगा एम ए कॉस थीटा, और अगर एम ए कॉस थीटा कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा को इक्वेट कर दे या कैंसिल कर जाए तो ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो आपने मार्क करना है वो क्या मार्क करना है, जी टैन थीटा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, जी टैन थीटा, कोई डाउट इसमें, तो समझ में आ रहा है कि कैसे ये लॉजिक लगाना है। नेक्स्ट है स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस कुछ नहीं है, बस एक रस्सी है और वो टेंशन मेजर करता है। इसका कोई मास नहीं है, 10 किलो का ब्लॉक है, तो क्या रीडिंग आएगी, जो टेंशन है वही रीडिंग है। रस्सी का अपना मास तो है नहीं, टेंशन यूनिफॉर्म रहेगी, टेंजी 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 एंड टेंजी, आंसर टेंजी ही रहेगा। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन चीजें। पहली, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। पहली, एक बैलून है, बैलून में से गैस निकल रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 m/s जो कि कांस्टेंट है, और गैस निकल रही है, मास अपॉन टाइम पता है, तो आपको बताना है बैलून पे फोर्स क्या लगेगी। फोर्स होती है डी पी बाई डी टी, पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। नॉर्मल सॉलिड के क्वेश्चन में मास कांस्टेंट है, बाहर आता है, डी वी बाई डी टी ए बन जाता है, पर लिक्विड और गैसेज में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और डी एम बाई डी टी कितनी गैस निकल रही है पर सेकेंड के क्वेश्चन में गिवन होती है। जैसे इसमें गैस की वेलोसिटी 5 है और कितनी गैस निकल रही है पर यूनिट टाइम, ये गिवन है, यहाँ से सॉल्व करके फोर्स आ जाएगी। तो याद रखना है, जब गैस निकलती है बैलून में से तो मास अपॉन टाइम चेंज होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, याद रखना है। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अगर मान लो कि लिक्विड पाइप में से निकल रहा है तो भी सेम स्टोरी है, लिक्विड निकला सामने दीवार पे उसने हिट किया, फोर्स बताओ क्या है। तो फोर्स होती क्या है, डी बाई डी टी ऑफ एम वी। लिक्विड के केस में भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या बचा, डी एम बाई डी टी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम पर सेकेंड क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो वेलोसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इंटू डेंसिटी, ये ऑप्शन मार्क करने को आता है, ठीक है यहाँ तक। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे क्या लॉजिक लगते हैं इसमें। तो चाहे गैस बाहर निकले चाहे लिक्विड बाहर निकले, कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे सपोज करो, अगर आपकी कोई स्ट्रिंग है वो टेढ़ी है तो उसमें टेंशन टेढ़ी है, तो ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि आपने 100 N की फोर्स लगा के इसको रोक के रखा हुआ है। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स और लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स। तो टी के तो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे टी कॉस टी साइन, तो टी साइन थीटा 100, टी कॉस थीटा इक्वल टू 15 g, इन्हें इक्वेट करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड, ऐसे आंसर निकलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें
जो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है मेंस और नीट में, वो ये कि अगर मान लो एक वॉल है, एक बॉल जाती है विद अ मोमेंटम ऑफ एम वी, एनर्जी लॉस नहीं है, तो बॉल वापस आती है विद अ मोमेंटम ऑफ एम वी, तो लिख लो चेंज इन मोमेंटम आपका इसमें जीरो नहीं होगा, मोमेंटम वेक्टर है, तो आंसर क्या होगा, 2 mv होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीबाउंड के केस में, बॉल के रीबाउंड के केस में मोमेंटम का चेंज 2 mv होगा। ठीक है यहाँ तक, ये याद रखना है आपने। फिर एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो बार बार आता है, एक प्लेट है, प्लेट का वेट है 15 g, तो नीचे गिर जाएगी ऑब्वियसली वेट से, तो हवा में हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर बुलेट्स गोलियां चलानी शुरू की, गोली गई mv, टकरा के वापस आई mv, रीबाउंड कर गई, गोली गई टकरा के वापस आ रही है। मैंने जो वेलोसिटी है इस बुलेट की वो 30 m/s है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड जो मैं चला रहा हूं वो 30 है, तो 30 बुलेट्स पर सेकेंड मान लो गोलियां चल रही हैं, ठीक है, आपको बताना है कि बुलेट का मास क्या है, ठीक है, बुलेट का मास क्या है। तो मुझे एक बात बताए कि इसका जो वेट है 15 g इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ड्यू टू बुलेट्स, तो बुलेट की फोर्स इसे बैलेंस करेगी वेट को, तो बात खत्म हो जाएगी। अब क्या है फोर्स, फोर्स है एवरेज फोर्स है चेंज ऑफ मोमेंटम, तो 15 g इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, एक बुलेट का चेंज ऑफ मोमेंटम बोलो क्या है 2 mv, क्योंकि बुलेट गई और वापस आई, तो चेंज इन मोमेंटम mv नहीं, गई और आई रिबाउंड हो गई 2 mv। नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है n पर यूनिट टाइम, ऐसे नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना गिवन है आपको 30, आपको वेलोसिटी भी गिवन है, आपको ये भी गिवन है, क्या आ जाएगा मास आ जाएगा आंसर। तो इक्वेशन बनेगी कैसे समझ में आ रहा है कि वेट को किससे बैलेंस करना है, फोर्स से, और फोर्स में चेंज ऑफ मोमेंटम लेना है। जिन क्वेश्चन में रीबाउंड नहीं होता, बुलेट चिपक गई, उनमें सिर्फ mv लेना होता है, रीबाउंड नहीं हुई तो mv, रीबाउंड हो गई तो 2 mv। क्लियर है यहां तक, ठीक, तो लॉजिक समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत आता है रीबाउंड वाला, नीट में दोनों में आता है, बहुत आता है ये, ठीक। जैसे ये पहला क्वेश्चन लॉ ऑफ मोशन का, तो क्या गिवन है आपको इसमें, आपको ना इसमें मास गिवन है 0.5 kg का मास है, आपको इसमें क्या गिवन है एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी गिवन है, तो वी वेक्टर आपको गिवन है 2t i cap प्लस 3t² j cap। अगर मैं कहूँ एक्सेलेरेशन वेक्टर क्या है, तो आप एक काम करें इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें, तो ये 2 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 6t j cap बन जाएगा। तो एक्सेलेरेशन वेक्टर आ गया आपके पास, आपको क्या निकालना है फोर्स टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आएगा 2 i cap प्लस 6 × 1 6 j cap, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो फोर्स वेक्टर क्या आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर,
0.5 इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर कितना है, 2i cap + 6 जे कैप, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 1i cap + 3 जे कैप, पर वो ये कह रहा है कि फोर्स तो इसके इक्वल है, कंपेयर करो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर 3, आंसर इज 3। आसान क्वेश्चन है, ठीक है यहां तक? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे ये क्वेश्चन है, बुलेट्स वाला सेम क्वेश्चन है अभी किया, फोर्स वो आपको दे रहे हैं, अभी किया ना, 125 न्यूटन की फोर्स लग रही है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है, बुलेट्स की प्रॉब्लम में क्या लेते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी इंटू नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, प्रॉब्लम क्या है, एम वी आएगा, रीबाउंड नहीं कहा उसने, बुलेट्स रीबाउंड होंगी तो 2 MV, नहीं होगी तो एम वी, निकाल लेना, क्या निकालना है आपको इसमें, एन निकालना है, एन पर सेकेंड निकालना है, एम पता है, वी पता है और फोर्स भी पता है, आंसर मेथड समझ में आ रहा है ठीक, तो लॉजिक वही है, सेम लॉजिक है, प्लेट्स को रेस्ट पे लेके आना है, बुलेट्स रीबाउंड होंगी तो अलग केस है, नहीं रीबाउंड होंगे तो अलग केस है ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, मैथ्स वालों के लिए ज़्यादा है, कैलकुलस आता है, वैसे मेडिकल भी बड़ी बात नहीं है, आसान है वैसे तो। तो इसमें करना क्या है, बॉडी का मास गिवन है आपको, इसमें एम गिवन है, एम 0.5 kg गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 10√x है, फोर्स निकालनी है, पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, क्या एक्सेलरेशन, dv/dt, तो d/dt ऑफ वेलोसिटी क्या है 10√x, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 इनटू dx/dt, मेडिकल मुश्किल है वैसे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5x की वैल्यू -½, dx/dt क्या होती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है 10√x, देखो मैथ्स वाले लोगों को पता है, √x √x कैंसल, तो 50 आ गया, तो फोर्थ एक्सेलेरेशन की वैल्यू इसमें 50 आ गई, मास से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, मेथड समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें, ठीक है ठीक है, मेडिकल वाले भी कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 3 फोर्सेस हैं, चेक करो। देखो इसमें 3 फोर्सेस हैं, मास आपको पता है, 2 फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं और तीसरी जो है ऑब्वियसली थर्ड साइड बनेगी ऐसे लग रही हैं कि पार्टिकल ना रेस्ट पे है, यानी कि तीनों के तीनों ऐसी लग रही हैं कि नेट फोर्स 0 है, तभी लग रही हैं नेट फोर्स 0 है, वो कह रहा है इसमें से F1 को हटा दो तो बाकी 2 फोर्सेज आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा 8 और 6 का 10, तो आपको क्या निकालनी है एक्सेलरेशन, 10 को 5 से डिवाइड करो, 2 आंसर आ गए।